दोस्तों जमाई राजा सीजन 3 अगले महीने से आप लोगों के बीच में फिर लौट रहा है। जैसे कि ये तो पता ही चल गया होगा जो कि सरगुन मेहता जो कि रवि दुबे की वाइफ थी, सरगुन मेहता के जन्मदिन पर ये पता ही चल गया था कि रवि दुबे और निया शर्मा फिर से एक बार कमबैक कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ की ऑफिशियल पुष्टि खुद रवि दुबे की वाइफ सरगुन मेहता ने कर दी है। और मेकर्स की तरफ से ये भी डिसाइड हो चुका है कि आप लोगों के बीच में एक बार फिर से रवि दुबे साथ में सहपाठी कलाकार निया शर्मा, जो कि निया शर्मा का रोल आप लोगों को पता ही चल गया होगा, यानी सिड और रोशनी की जोड़ी फिर से एक बार पर्दे पर आ रही है। साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ और भी जानकारी देना चाहता हूँ रवि दुबे के बारे में। आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि सीजन 3 के लिए उनका नाम पहले से ही चर्चाओं पर है, साथ ही निया शर्मा इस चीज को लेकर काफी टाइम से एक्साइटेड है कि उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों के बीच में फिर से आ रहा है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि निया शर्मा का एक अलग अवतार देखने को मिलेगा इस बार। इस बार थोड़ी संस्कारी लड़की के तौर पर दिखाई देंगे। साथ ही दोस्तों रवि दुबे और निया शर्मा की जोड़ी जिस तरीका से लोगों का दिल जीतने में सफल रही है, एक बार फिर से लोगों के बीच में आ रही है। अगले महीने से ही आप लोगों के बीच में पहला प्रमोद दिखा दिया जाएगा। अगले महीने निया शर्मा रवि दुबे के साथ में अचितिंग कौर जो कि डीडी पटेल यानी दुर्गा देवी पटेल रोशनी पटेल की मॉम का किरदार निभा रही हैं, यानी अचितिंग कौर की बात की जाए तो उन्होंने दोनों सीजन में भाग लिया है, जमाई राजा सीजन 1 में भी और सीजन 2 में भी रोशनी की मम्मी का ही किरदार निभा रही थी। एक अकड़ू बॉस की भूमिका भी, क्योंकि ज़्यादातर देखी जाए तो निया शर्मा की और रवि दुबे की अचितिंग कौर के साथ में अच्छी खासी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हालांकि रवि दुबे को वो अपने बेटे की तरह ही सपोर्ट करती हैं। पुरानी स्टार कास्ट की बात करते हैं तो पुरानी स्टार कास्ट भी साथ नजर आएंगी, क्योंकि निया शर्मा और रवि दुबे के साथ में पुरानी स्टार कास्ट फिर से साथ नजर आएंगे। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो पुरानी स्टार कास्ट जीटीवी पर देखी गई थी सीजन 1 में, वही सीजन 3 में फिर से कमबैक करने के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंकि रवि दुबे की बात करें और निया शर्मा की, तो सरगुन मेहता खुद बोल चुकी हैं कि रवि दुबे और निया शर्मा फिर से ही कमबैक करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि निया शर्मा ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट यानी आपका फेवरेट जमाई राजा सीजन 3 इसलिए कर रही हैं, और इसके लिए उन्होंने बिग बॉस 14 का ऑफर भी ठुकरा दिया था, क्योंकि निया शर्मा को बिग बॉस 14 की तरफ से ऑफर मिला था जो कि निया शर्मा ने वो ऑफर लेने से मना कर दिया। और वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि उनके पास में इस टाइम काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से उन प्रोजेक्ट को लेकर चर्चाओं पर हैं, क्योंकि रवि दुबे के साथ में जिस तरीका का वो प्रोजेक्ट करने जा रही हैं, इस समय सबकी आंखें और सबकी निगाहें खाली जमाई राजा सीजन 3 पर टिकी हुई हैं। और दोस्तों एक जरूरी बात और आप लोगों के बीच में बता देना चाहता हूँ, निया शर्मा का ये प्रोजेक्ट जो कि कहीं ना कहीं रवि दुबे और निया शर्मा का ये प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच में G5 पर देखने को मिलेगा, वो भी फ्री में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि G5 ने ये भी कंफर्म करा दिया है कि इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि आप G5 पर फ्री में ही देख पाएंगे। साथ ही देखो अगर आप कोई G5 पर नहीं देखना चाहते तो साथ ही इनके यानी जमाई राजा सीजन 3 के ऑल एपिसोड्स मैं अपने यूट्यूब चैनल से भी प्रसारित कर दूंगा। साथ ही अगर बात की जाए निया शर्मा की, तो निया शर्मा रवि दुबे के साथ में जैसे ही पहला एपिसोड आएगा तुरंत ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। साथ ही दोस्तों आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, आपका कोई भी फेवरेट सीरियल है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए आपका कोई भी फेवरेट सीरियल है। साथ ही निया शर्मा या रवि दुबे की कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके बताइए। थैंक यू।